और गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और स्वागत है आपका मेरे डेली लाइफ ब्लॉग में। तो यहाँ हो गई है सुबह और आज सैटरडे, तो जो है मैं लगा रही हूँ झाड़ू सुबह सुबह की किचन में। और उसके बाद जो है यहाँ पे ले आई हूँ दूध, क्योंकि बनेगी चाय सबके लिए। और आज मैं थोड़ा लेट भी हो गई हूँ, आज मेरी थोड़ी तबीयत ही ख़राब है, क्योंकि मेरे पैरों में जो है प्रेगनेंसी के टाइम में ऐसे होता ही है। सब लोग बोलते हैं कि पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है मेरे, और जो है रात को नींद भी नहीं आती अच्छे तरीके से। तो ऐसे मेरा दिन जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो आँखें ऐसे रहती है जैसे दोबारा सो जाऊँ। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं कर रही हूँ टिफ़िनों की तैयारी। तो यहाँ पर जो है आज पापा थोड़ा जल्दी जा रहे हैं, तो इसलिए मेरी पूजा पहले हो नहीं पाई है। तो आज पहले मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि पूजा में करूँगी बाद में, क्योंकि वो ऑफिस चल जाएंगे तो टिफ़िन लेके ही जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जो फली की सब्ज़ी, तो एक तरफ चढ़ा दी मैंने चाय, एक तरफ बना रही हूँ मैं सब्ज़ी, और झटपट लगा के आटा बनाऊँगा उनके लिए रोटी, क्योंकि वो ऑफिस जा रहे हैं। जब मैं खाना बना रही थी तो नहाने भी चले गए थे, तो यहाँ मैंने फटाफट जो है सब्ज़ी बनाई और फटाफट रोटी बनाई। तो यहाँ मैं बना रही हूँ सब्जी। उसके बाद जो है पापा तो जा चुके हैं, और जो है और के लिए भी मैंने टिफ़िन के लिए पराठे बनाए हमारे लिए। जो है वो जिसको पराठे खाने हैं वो पराठे खाएगा, जिसको वो रोटी खानी है रोटी बनाई है मैंने। और जो यहाँ पे फली की सब्ज़ी और ये आ गई है छाछ। छाछ के बना तो हमारा खाना होता ही नहीं है, तो यहाँ बन रहे मेरे पराठे। और आज इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, बारिश आती है ना जब तक, तो कल परसों तो जब मैं बाहर जा रही थी ना तो मुझे सर्दी लग रही थी, और आज कल का दिन ही था बीच में, और आज तो इतनी गर्मी हो रही है कि सुबह की 6 बजे और गर्मी पसीने आ रहे हैं। उसके बाद हो गया मेरे टिफ़िन रेडी, उसको मैंने रख दिया है बाहर, जो जाएगा ऑफिस वो लेके अपना चला जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे हो रही है किचन में बर्तनों की सफाई, क्योंकि अब करूँगी किचन की साफ सफाई। और देखो अभी तो किसी ने खाना भी नहीं खाया, और बर्तन देखो ऐसा लग रहा है पता नहीं सुबह से शाम तक के बर्तन हो गए हूँ। तो यहाँ पे कर रही मैं बर्तन साफ पहले, बर्तन और कपड़े ये दो चीज़ तो एक करोगे ना उससे पहले तैयार मिलती है दूसरी हमको। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं फिर किचन की साफ सफाई, और यहाँ पे जो है नीचे की साफ सफाई हो रही है। और आज जो आटा भी ख़त्म हो गया, तो आज घी वो साफ करने, तो आज तो पूरा जो दिन है ना वो पूरा बिजी होने वाला है। और अभी किचन की जब मैं साफ सफाई कर रही हूँ तो 9-10 बज गए हैं आज तो मुझे वैसे ही। तो यहाँ पे फिर उसके बाद जो है मैंने किचन की साफ सफाई करके करीब पूजा, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा गंदा रहता है तो पूजा करने की इच्छा ही नहीं होती। तो किचन की साफ सफाई करके फिर मैं जो लड्डू गोपाल को मिलाऊंगी। तो यहाँ पे ना रहे हमारे लड्डू जी ठंडे ठंडे पानी से। उसके बाद जो बाहर मम्मी का योगी टंके साफ कर ली है, क्योंकि बारिश आती है तो उसमें जो छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, तो कहीं पानी पीती नहीं है, तो हर उसको दूसरे तीसरे दिन साफ करना पड़ता है। तो फिर मैं आ गया अंदर पूजा करने। और यहाँ झटपट करी मैंने पूजा, उसके बाद जो सब लोग जा चुके हैं ऑफिस, सबको जो है मैंने खाना चाय वगैरह सब कुछ देख के जो सब जा चुके हैं ऑफिस। उसके बाद जो मैं कर रही हूँ रूम की साफ सफाई मेरे, और समय समय इतनी माथा फोड़ी होती है काम की इतनी, कि 12 बजे तक तो बैठने का टाइम ही नहीं मिलता कि मैं कुछ खा लूँ या फिर मैं बैठ जाऊँ। उसके बाद मैं लगा रही हूँ पोछा, जो है इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, झाड़ू पोछा करना भी। उसके बाद जो है मैं अब आ गई हूँ बाहर, क्योंकि मेरे रूम की जो है दोनों तीनों रूमों की साफ सफाई हो गई है, बाहर में लगाऊंगी पोछा। और अब मेरे से बैठा ही नहीं जाता ना, मेरे से खड़ा भी पोछा लगाना लगता नहीं है, क्योंकि मेरा 8 महीने शुरू हो गया, मेरे इंग्रेंस का थोड़ा तो उससे बैठा जाता है ना उठा जाता है, फिर भी क्या अगर काम तो करना पड़ता ही है।
तो यहाँ पे लग रहा है मेरा पोछा। उसके बाद जो गाय की टंकी साफ कर देते हैं तो उसमें भर रहे पानी, क्योंकि गायें फिर देख देख के चली जाती है बेचारी, पानी उनको कहीं मिलता नहीं। और इतनी गर्मी हो रही है कि हम लोग दिन में 4-5 बार पानी पी लेते हैं तो उनको एक बार प्यास लगती है ना। तो यहाँ पे मैं फिर उसके बाद हम शाम को जा रहे हैं छत पे, तो यहाँ पे कर रही है मम्मी गेहूँ साफ, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था तो गेहूँ साफ को भी करने थे। तो मैंने बोला कि आप तो कर लो गेहूँ साफ, मैं कर लेती हूँ पूरा घर का जो काम है नीचे का वो। तो यहाँ पे हो रही है गेहूँ साफ, और मम्मी ने करी है 2 बाल्टी गेहूँ की साफ। तो यहाँ पे 2 बाल्टी साफ हो गई है, अभी तो और भी गेहूँ साफ करने हैं क्योंकि अब श्राद्ध आ रहे हैं और भी बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं तो टाइम नहीं मिलेगा। उसके बाद जो है हम शाम को चले गए ऊपर, क्योंकि जो आने वाले बच्चे की तैयारी करनी है तो उसके लिए मम्मी ने बोला कि पहले कपड़े वपड़े निकाल के रख ले। तो यहाँ पे जो है उनकी छोटी छोटी सी गद्दियाँ और जो है कपड़े निकाल रहे थे तो ऊपर हल्की सी बूंदाबांदी होने लगी थी। तो यहाँ पे मैं और मम्मी जो है कपड़े निकाल रहे थे छाट छाट के कि कौन से आ जाएंगे कौन से नहीं आएंगे। आई नो मुझे पता नहीं है कि छोटा बच्चा कितना बड़ा होता है कितना नहीं होता, उसको कैसे कपड़े पहनाने होते हैं कैसे नहीं पहनते। मम्मी मुझे बता रही थी कि ऐसे ऐसे कपड़े हैं जो निकालने, और वो मुझे निकाल निकाल के दे रही थी। तो यहाँ पर मैं जमा रही थी और मेरे से तो बैठा भी नहीं जा रहा था अच्छे से। उसके बाद जो है शाम को हम थक गए थे तो मैंने बनाई फिर चाय गर्मा गर्म और हम लोगों ने पी चाय। तो आपको प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, और यहाँ पे मैं पी रही हूँ चाय वो भी रात के 8 बजे, क्योंकि काम करते करते थक जाते हैं तो